काम कर दिया कि दलित और मुस्लिम साथ चलेगा, अगला पिछड़ा राज करेगा। हमने ये नारा लगाने का काम कर दिया साथियों। इस नारे से तकलीफ है, इस नारे से परेशानी है, इस नारे मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, कौन सा वोटर ऐसा है जो आज लाइन खींच करके आपको वोट देने के लिए तैयार है? तो आपको समझ में आएगा कि दलित के अलावा कोई वोटर ऐसा नहीं जो 100% लाइन खींच करके आपको वोट देने के लिए तैयार है। और जब दलित और मुसलमान का वोट एक साथ भरने का काम होगा, फिर साथियों राजनीति के अंदर अगड़ा भी पिछड़ा भी सारे लोग आपके साथ चलने का काम करेंगे। हेरट का भी समीकरण सहारनपुर जैसा ही है, यहाँ भी आप लोग 50% से ज्यादा हो, 50% वोट के बाद भी अगर जीत का रास्ता नहीं खुलता है तो ये आप लोगों की गलती होगी, किसी दूसरे की गलती नहीं है। उस गलती को दोहराने की कोशिश मत करिएगा। अगर इसकी नुकसान होगा तो इसका नुकसान भी सिर्फ और सिर्फ आपको होगा। मैं आपसे ही कहना चाहता हूँ, सिर्फ आपको होगा। जब मेरठ के अंदर गोली चली थी, आपको याद होगा सबसे पहले इमरान आया था, कोई दूसरा नहीं आया था। मैं सहारनपुर से चलकर यहाँ सबसे पहले पहुंचने का काम किया था, कोई दूसरा नहीं आया था। ये बात इसलिए कि आपको याद दिला रहा हूं कि ऐसे लोग समाजवादी को नहीं चाहिए, जो आदमी आपके नेताओं की बेइज्जती करे, जो आदमी अपने ही विधायकों को मेरठ के अंदर जीत का समीकरण बता दीजिए क्या है। अरे टिकट देना था विधायक की बीवी को तो 4.5 लाख वाले की बीवी को देते, 35,000 वाले की बीवी को पकड़ा करते। कौन सा तरीका होगा, कौन सा जीतने का रास्ता होगा, वो रास्ता बताओ तुम्हारे जीतने का कौन सा होगा? तुम्हारे जीतने का कोई रास्ता नहीं, तुम नहीं जीत सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर जब तक दलित साथ नहीं चलेगा, मुसलमान साथ नहीं चलेगा, जब तक दूसरा वोट कोई तुम्हें मिलने का काम नहीं होगा। और अपने वोट को बांट करके आप फैसला करा लीजिए, आप अपना वोट बांट लीजिए। नुकसान आपको होना है, किसी दूसरे को नहीं। भुगतान भी आपको करना है, चूंकि डंडा आपको लगना है, डंडा दूसरे को नहीं लगना है। डंडा आप ही को लगना है, किसी दूसरे को नहीं लगना है। पिछला चुनाव भी आपने दलित और मुसलमान के बलबूते जिताने का काम कर लिया, ये चुनाव जीता ही दलित और मुसलमान के समीकरण में जाता है, इसके अलावा कोई समीकरण चुनाव जीतने का नहीं कर सकता। मैं आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं, अगर आप लोगों को ईमानदारी के साथ हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और अगर ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम कर सकती है तो बहुजन समाज कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी पे इल्जाम लगाते हैं, बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है। पद्मश्री का ऐलान लोगे आप जाकर के राष्ट्रपति भवन के अंदर और इल्जाम लगाओगे हम पे कि हम भी टीम है। नेताजी पार्लियामेंट में खड़े होकर के भाषण देंगे कि मोदी जी मैं आपको दोबारा प्रधानमंत्री में देखना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की भी टीम हम है। ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हो जाओ। जिस दिन दलित और मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होने का काम कर देगा, उस दिन साथियों देश की राजनीति बदलने का काम हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के साथ जिस दिन आप चलने का काम करोगे तो ये अगड़ा और पिछड़ा ये सब लोग आपके पीछे चलने का काम करेंगे। साथ उत्तर प्रदेश के अंदर समीकरण बिल्कुल साफ है, उत्तर प्रदेश के समीकरण के दलित और मुसलमान की अगर वोट जितना वोट आपने अखिलेश यादव को डाल करके देखा, अगर इतना ही वोट बहन जी को डाल दिया होता तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी होती, कोई दूसरा नहीं होता था। लेकिन आप लोग तो आप लोग बेकार में रहते हैं, आप लोग क्योंकि जज्बाती कौम है। 2 मिनट में आपको जरा सा हाथ पीठ में मारा और आपको चलता कर दिया और आप चले गए। किसी ने टोपी लगा करके बिस्मिल्लाह पढ़ने का काम कर दिया तो आपने समझा कि सबसे बड़ा आपका हमदर्द हो गया, वो हमदर्द